सोनाली बेंद्रे के बाद अब एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस गंभीर बीमारी से जूझ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुष्का शर्मा की, जो इन दिनों बल्गिंग डिस्क नाम की एक बीमारी से के शिकार हो गई है, जिसकी वजह से अनुष्का काफी शारीरिक दर्द का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो लगातार अपनी फिल्म सुई धागा के प्रमोशन में बिजी है, जो इस महीने के आखिरी में रिलीज होने जा रही है। दरअसल अनुष्का नहीं चाहती कि उनकी वजह से फिल्म पर कोई बुरा असर पड़े। खबरों के मुताबिक अनुष्का शर्मा को इंटेंसिव फिजियोथेरेपी सेशन के कारण बल्गिंग डिस्क की बीमारी हो गई है, जिसका वो इलाज भी करा रही है। डॉक्टर्स के अनुसार अनुष्का शर्मा को इस बीमारी से उबरने में 3-4 हफ्ते का वक्त लगेगा। उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी गई है, लेकिन वो सुई धागा के प्रमोशन में हिस्सा लेना चाहती है, जिस कारण से वरुण धवन के साथ जर्नी भी कर रही है। बल्गिंग डिस्क के कारण अनुष्का शर्मा एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकती है। बता दें कि यशराज बैनर की फिल्म सुई धागा मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें वरुण धवन और अनुष्का शर्मा चंदेरी के रहने वाले आम इंसान का किरदार निभा रहे हैं। ये फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होने वाली है। 23 न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।